सितारगंज में तेज आंधी तूफान ने ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर तबाही मचाई। आपको बता दें चले करीब 190 बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हो गए। अधिकांश क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बंद हो गई है। विद्युत आपूर्ति बंद होने से जल आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ा, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दर्जनों मकानों की छतों व दीवारों के गिरने से 10 से अधिक लोग घायल हो गए। आंधी तूफान के बाद सबसे ज्यादा समस्याएं बिजली आपूर्ति की आ रही है। 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी कुछ क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पाई। हालांकि विद्युत विभाग लगातार विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। विद्युत विभाग के एक्शन चंदन सिंह ने बताया कि सितारगंज क्षेत्र में 190 विद्युत पोल आंधी से गिर गए। लगभग 180 विद्युत पोलों को सही करें, विद्युत सुचारू कर दी गई है। कुछ स्थानों में विद्युत पोल के अलावा विद्युत लाइन व ट्रांसफार्मर भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जो कि सही करवाए जा चुके हैं। चंदन सिंह ने कहा कि आंधी के बाद विभिन्न क्षेत्रों के लिए टीम गठित कर दी गई है और काम चल रहा है। जैसा कि आप लिख ही रहे हैं कि शुक्रवार की रात को 8:30 बजे के करीब चक्रवाती तूफान आया था पूरे सितारगंज, उसके आसपास सिसौना, पटंगरी और चीकाघाट क्षेत्र में। तो उसकी वजह से हमारे कम से कम 12 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए थे और लगभग 190 पोल क्षतिग्रस्त हो गए थे, धराशायी हो गए थे। तो युद्ध स्तर पर हमने कार्य किया। अब लगभग हमारा 95% काम पूरा हो गया है और उम्मीद है कि आज रात 8-9 बजे तक सारा काम समाप्त हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। उत्तराखंड का तेजी से बढ़ता हुआ ट्रेंड, सितारगंज टीवी में आपको लोकल की खबरें, स्पेशल बुलेटिन, मनोरंजन के साथ ही देश दुनिया की बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी। तो सितारगंज टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ हमारे चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो करें, ताकि आप हर अपडेट से वाकिफ रहें।